नमस्कार, मैं प्रियंका और इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं डोहला गांव से, जो कि जींद जिले का गांव है डोहला गांव। और आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं वे धुणे की तस्वीरें, जहां पर बाबा प्रेमनाथ के द्वारा यहां पर बैठकर तपस्या की जाती है कड़कती गर्मी में, पांच धुणों के बीच में बैठकर। और जिस समय वे यहाँ पर तपस्या पर बैठते हैं, उस समय गाँव की महिलाओं और पुरुषों के द्वारा इस जगह की परिक्रमा की जाती है, चक्कर लगाए जाते हैं इस जगह के। और इतनी गर्मी है कि वैसे ही गर्मी सहन नहीं होती है, लेकिन इस गर्मी के बावजूद भी बाबा प्रेमनाथ के द्वारा यहाँ पर बैठकर तपस्या की जाती है। यहाँ पर तपस्या करने का क्या उनका कारण है और किस प्रकार से उनमें इतनी सहन शक्ति है कि वो इतनी गर्मी में कड़कती धूप में पांच धुणों के बीच में बैठकर तपस्या करते हैं, उनसे जानेंगे हम, उनसे बातचीत करेंगे कि उनके पीछे का क्या रहस्य है तपस्या करने का। तो महाराज जी है, इनसे बातचीत करेंगे और आपने दिखाया पहला कि किस तरह के तपस्या कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं, तो वह भी बातचीत करांगे और इस तरह के फायदा के उद्देश्य है गांव राम के सुख शांति होगी, देश में राज्य में के सुख शांति होगी। महाराज जी आदेश आदेश आदेश। महाराज जी जो आप तपस्या करें कितने दिन से कर रहे हैं? ये तपस्या अपने को 10 साल हो गए करते हैं, 20वीं तपस्या अपनी। अच्छा, इस जगह पर कितनी बार पहली तपस्या इस जगह पे पहली है? हाँ जी, इस जगह पे पहली तपस्या पिछले गार मकलोडा में तपस्या करी है। अच्छा। उससे पहले हांसी में तपस्या करी है, दो तपस्या मकलोडा में करके आए। सर्दी के अंदर जल की तपस्या करते हैं, गर्मी के बीच में धूण की तपस्या करते हैं। जो ये मंदिर है, इस मंदिर में आप कब आए हो? इस मंदिर में तो काफ़ी दिन हो गए वैसे आए को। अपना गाँव के अंदर एक मंदिर है, नाथ संप्रदाय का एक मंदिर है, उस मंदिर में हम बुरुआ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे माता दुर्गा रानी का स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है, इसमें तपस्या करने के लिए हम यहाँ पे इसके अंदर लेके माता रानी के भजन करने के लिए, इसलिए यहाँ पे तपस्या करी जा रही है। महाराज जी जो परमात्मा लो लगा रहे हो आप, इससे क्या फायदा लगेगा, क्या सुख शांति मिलेगी आस पास? नहीं, सुख शांति के लिए नहीं करते हम, ये परमार्थ काम को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा को बचाने के लिए करते हैं कि साधु जीवन है, तपस्या करना हमारा कर्म है, हर साल अखंड तपस्या हमारा करते रहते हैं। साधु नहीं होते आग लगी संसार में, जल जल गिरते अंगार, साधु होते जल में जल मरता संसार, ये साधु नाम तो खत्म ही हो जाएगा फिर, ये तपस्या नहीं करेंगे तुम। जी महाराज, ये तो जी महाराज जी, इस तपस्या के बाद जैसे लास्ट दिन होगा तो कुछ भंडारा वगैरह? हाँ, कुछ भंडारा वगैरह, जैसे परमात्मा कृपा होगी वैसा भंडारा भी होगा, चून पून गांव का लगाया जाएगा, सभी घर से 36 जात का चून पून लगाया जाएगा यहाँ पे, पूरा गाँव मिलकर सहयोग। हाँ, पूरा गाँव मिलकर सहयोग कर रहा है। तो कोई डेट फिक्स है उस डेट में ये भंडारा? तो वैसे डेट तो 8 तारीख फिक्स है जी। 8 तारीख है जी। जी तो लगभग भंडारा में गांव राम आओगा या कुछ? हाँ, और बाहर के भी साधु संत कुछ गांव से तो पूरा परमात्मा आएगा, बाकी साधु समाज का जैसे होगा वैसे हो करेंगे। साधु समाज बाहर से भी आएगा कुछ? हाँ, कुछ आएगा साधु, आसपास से साधु समाज तो आएगा, जो अपने गुरु पीर मर्यादा सुकरे पड़ेंगे ने, वो सभी लोग आएंगे। और एक महाराज जी जो आप तपस्या करे थे गांव राम के, जो भगतजन है माता जी मातृशक्ति वही पहुंचे, तो परिक्रमा करे है जी, तो इसके को थोड़ा समझाने की कोशिश करें क्या कुछ? नहीं, परिक्रमा तो करने से सार्थक के लिए पूर्ण होता है। हाँ। किसी की साधना करते हैं उसकी पूर्व में कर्म करने से जो मन की इच्छा है शांति है उसको स्वस्थ मिलती है। जैसे मन में कोई विचार चल रहा है, कुछ चीज़ के दुख या तकलीफ है, माता भगवती उस कार्य को सफल करती है, इसलिए परिक्रमा करी जाती है। महाराज जी अगर देखा जाए गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है और इतने लगभग 47 डिग्री 46 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर रहा है, और आप इतनी उसमें धूप में ही बैठे हो पांच दुनिया बीच में, तो कहीं ना कहीं शरीर में दिक्कत नहीं बन सके? नहीं, शरीर में कोई दिक्कत नहीं आती, इससे शरीर में क्या दिक्कत आएगी, कि साधु संत का काम तपस्या करना है। पहले ऋषि मुनि लोग 1088 वर्ष तक तपस्या करते, आँख नहीं खोलते थे, क्योंकि जो संत लोग कर्म हमारा तपस्या करना, इसलिए परमार्थ के काम के लिए तपस्या करी जाती है। धन्यवाद आदि सर। महाराज जी के कुछ कहना चाहोगे, जैसे अभी तपस्या चल रही है तो के कुछ विचार आपके? हमारा तो यही कहना है जी कि साधु संत हैं, ये तपस्या ही करते हैं, कभी जलधारा कभी खड़ी तपस्या, कभी धोनिया तापते हैं, कभी बरत्र भी रखते हैं, ठीक है ना। हाँ, साधु संत का ये कर्म है। अब आपका कहना है तो घर गृहस्थी भी कह रहे हैं तपने लग गए, ठीक है, उसको हम मानते नहीं, ठीक है, हम मानते हैं उसको धर्म है, जो हमारा धर्म है नाथ पंथ का धर्म है उसको मानते हैं। ऐसे बात तो दुनिया फिरती है, कोटेशनों फिर रहा है, को कैसे फिर रहे, ठीक है ना। देखा जी घरे गृहस्थी वाले जैसे मातृशक्ति वह भी बैठन लगेगी दुनिया पे, कई जगह हमने देखा है, और आम आदमी भी लगभग साधु संत तो बैठे करते, लेकिन आम आदमी बैठन लग गया है। हाँ, बैठते हैं तो हम मानते ही नहीं उनको, बैठो कुछ करते रहो, ठीक है, उनको अपने पैसे से मतलब है, हमको कोई पैसे से मतलब नहीं है, हम तो जो पैसा आएगा ये भंडारे में लगा देंगे, हमने क्या करना है। हाँ, धन्यवाद। हाँ, ठीक। तो ड्योला गांव में थे और आपने विचार सुने, महाराज जी बैठे थे, तो आपके के कुछ विचार, आपके सोच विचार नीचे कमेंट बॉक्स में देने, और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।